अभी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास एग्जाम में, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है अपन को। अब सीधी बात है, यहाँ पर जो आंसर हो किस पे निकालना है मेरे को, साइन और कॉस के क्रम में निकालना है, किस में निकालना है अपन को, किस में निकालना है। अब सीधी बात है, साइन और कॉस के क्रम में निकालना है तो एक ही आइडेंटिटी अपने पास साइन और कॉस की, कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पावर कितनी है, 4 है पावर, तो बेटा जब मैं इस 2 की पावर का स्क्वायर करूँ तो पावर 4 आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वो यहां बन रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसका स्क्वायर करूंगा, ए क्या है यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटा क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ। अब जो रह गया बताओ इसके अंदर, पर ध्यान रखो यार रिलेशन अपन को ये निकालना है, अब साइन स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो साइन की पावर 4 होता है, बस इसे स्क्वायर किया अपन ने, और आइडेंटिटी इसके अलावा कोई लगेगी नहीं क्योंकि मेरे को आंसर साइन कॉस में निकालना है, तो साइन कॉस की आइडेंटिटी अपने पास एक ही है। इस तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये आ गया, अरे ध्यान दो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करना है अपन को सॉल्व, ठीक है, यह पावर कितनी है 6। अच्छा आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास साइन और कॉस की, ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या अपने साइन स्क्वायर थीटा, अब यहां पावर कितनी चाहिए अपन को, कितनी चाहिए पावर ऊपर 6 है ना, यहां क्या है 2 है, तो क्या करूं अब, क्यूब कर दो इसका, सही है भाई क्यूब कर देंगे ना भाई, इसका क्यूब करके तभी आएगा ये चीज़ें, तो भाई मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड क्यूब कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब। भाई बता ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अब सी क्यूब कहां से आ गया भाई ए प्लस बी के होल क्यूब में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, ध्यान रखो ये तुमको यही पता नहीं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सॉरी सर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्या है यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, उठा के पुट कर दूं सीधा काम है अपने पास, तो क्या हुआ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान देना ये बना हुआ है यहां पर, बोलो ए क्यूब, तो क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3ab, तो कितना हुआ 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में गया तुम्हारे पास, ये कितना है
साइन स्क्वायर थीटा और बी कितना है, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन का क्यूब। ठीक है, बस इजी बात है, ये कितना हो पावर 2 × 3 कितना हुआ, ये बहुत बढ़िया सर, 6 होगा ना, तो साइन की पावर 6 थीटा, यहां भी क्या आएगा 6 कॉस की पावर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो तुम्हारा 1 आई गया, बाइंडी होती तुम्हारी 1, और यहां कितना आ गया 1, तो बेटा यहां कितना आ गया तुम्हारे पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के हिसाब से, समझ में आ रही बात, बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक आइडेंटिटी में याद करोगे तो मजा आएंगे करने में। यस सर, यस सर करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई पे भी ध्यान दे। अब देखो नेक्स्ट, देखो मैं क्वेश्चन की बना तुमको, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, क्वेश्चन आ गया फाइंड वैल्यू ऑफ sec थीटा। अब तुम्हारे दिमाग में पहले से बना चाहिए भाई sec थीटा प्लस tan थीटा की एंटी कौन सी, अपने पास कौन सी है भाई, क्या होती है एंटी sec थीटा और tan थीटा में, समझाई थी ना अभी, भूल गए सब भाई, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, इसको यहां लेके आया क्या हुआ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां पर तुम्हारी एंटी क्या लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू इक्वल टू 1। अब तुमको समझाया था ये x, तो ये क्या हुआ 1 अपॉन x, समझाया था ना, मन कब आएगा वाई भाई, ये x तो ये क्या हुआ, तभी तो 1 आएगा, समझ में आ रही है बात, ये y है तो ये क्या हुआ 1 अपॉन y, तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं है, तो भाई इस आइडिया यूज करते हुए मैं कह सकता हूं कि भाई अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 2 है तो ये बताओ मेरे को कि sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा भाई, इसको उल्टा होगा ना, इसका रिवर्स कितना होगा, क्या रिवर्स 1/2, ये कैसे बोला मैंने भाई, यहां पर यूज कर लेना क्योंकि मेरे को पता है कि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल, इक्वल नहीं भाई रेसिप्रोकल, सॉरी सर। ठीक है, अब देखो यहां पर sec थीटा प्लस tan थीटा है, यहां पर देखो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हुआ, sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हुआ 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा आ गया। अब सीधी बात है, ये आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। अब भाई जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा कैंसिल, कितना आ गया था 2 sec थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1/2, तो ये कितना हुआ, कितना आएगा 10/2, वेरी गुड भाई, 2 × 2 = 4, 4 प्लस 1 कितना होता है, ठीक है अब 2 को नीचे भेज दो तो कितना हुआ sec थीटा 5/4, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, नोट कर लेंगे इसको, नोट करो फटाफट। आइए चलो, ठीक है समझ में आ गई ना बात, ये अलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां मैंने कर दिया पी, यहां क्या कर दिया मैंने पी, और क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब देखो ध्यान देखो, वही तरीका होगा पूरा अपना भाई, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी है, तो बताओ मेरे को कि sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हुआ, 1 अपॉन बी, और sec थीटा प्लस tan थीटा कितना हमने ऑलरेडी P, जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा ये कैंसिल, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हुआ sec प्लस sec
टू sec थीटा इक्वल टू कितना आ गया p plus 1 upon p. इसका एलसीएम ले लो, क्या गया पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी, तो sec थीटा इक्वल टू कितना आ गया पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। अच्छा क्वेश्चन ने पूछा साइन थीटा, क्वेश्चन ने क्या पूछा अपन से, अब sec का उल्टा क्या होता है, sec का उल्टा cos, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ, टू पी अपॉन प्लस वन, ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे को, अब देखो अपने राइटिंग बना लिया अपना भाई, अपने पास क्या तरीका cos थीटा, ये तुम्हारा क्या होता है बी अपॉन एच, cos थीटा क्या तुम्हारे पास बी अपॉन एच, तो भाई ये तो हो गया बी, बी मतलब बेस है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया लेंथ टू पी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर प्लस वन, इसको मान लिया अपन ने एक्स, अपन को पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ गया टू पी का स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, क्या आएगा भाई यहां पर 4p square प्लस, यहां क्या लग रहा है a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, हाँ क्यों मुझे मतलब उसके भाई क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां क्या आएगा बताओ p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, तो क्या बन गए एक्स स्क्वायर टू पी की पावर फोर प्लस वन प्लस टू पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर, तो बेटा ये कितना आ गया पी स्क्वायर प्लस वन माइनस ये पी की पावर फोर है, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बना आपके पास पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, तो भाई कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा निकालना अपन को, साइन थीटा इक्वल टू कितना हुआ इक्वल टू एक्स अपॉन एच, तो ये कितना आ गया पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन प्लस वन, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, अरे भाई एग्जाम ये आएगा प्रूव करने का, लिखा देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ पर आ गया वैल्यू सॉल्व हो गया पूरा।